हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विनोद मेरा टेक्निकल में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यदि आप भी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट फंड दिया जाता है वह व्यूज के आधार पर दिया जाता है या फिर वीडियो की परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। दोस्तों आज मैं आपको इन्हीं दो सवालों का जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। दोस्तों और दोस्तों एक जरूरी सूचना, यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा जिससे आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ जाए और दूसरों को भी शेयर कर सके। दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो को समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हो दो आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहे हैं। दोस्तों शॉर्ट वीडियो के स्क्रीनशॉट है, पहले स्क्रीनशॉट पर आपको 2.4 करोड़ व्यू दिख रहे हैं और दूसरे स्क्रीनशॉट पर आपको 4 लाख से ऊपर व्यू दिख रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपसे पूछूं कि किस वीडियो पर या किस वीडियो को शॉर्ट फंड मिलने वाला है। दोस्तों तो आप बोलोगे कि 2 करोड़ वालों पर शॉर्ट फंड मिलेगा। दोस्तों लेकिन दोस्तों ये कुछ हद तक ही मायने रखता है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि ज़्यादा व्यू वाले को शॉर्ट फंड मिले, कम व्यू वालों को भी फंड मिल सकता है। दोस्तों किस प्रकार, चले मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों जिस प्रकार मान लो आपने कोई वीडियो बनाया, वह आपका मूल कंटेंट है, आपने कोई सॉन्ग उसमें यूज नहीं किया है और आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से बना रहे हो, किसी का वाटरमार्क नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम कुछ भी नहीं है, तो आपके वीडियो पर शॉर्ट फंड मिलने के चांसेस 90% के ऊपर हो जाते हैं। दोस्तों यदि वो 2.4 करोड़ वाला जो वीडियो है उस पर किसी का लोगो है या किसी का अपलोड किया हुआ दोबारा अपलोड कर दिया है दोस्तों, या फिर कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक उस पर है, या वो यूट्यूब की गाइडलाइन में यदि किसी का भी पालन नहीं करता है तो उसको शॉर्ट फंड नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये यदि पूरा समझना है कि वो कौन कौन सी 5 शर्तें हैं, जिस प्रकार आप समझ सकते हो कि किसको फंड मिलने वाला है और किसको फंड नहीं मिलने वाला। दोस्तों तो आप ऊपर आई बटन में यहाँ पर देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, जिसे आप पूरा समझ लेना। दोस्तों दोस्तों आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, वो कौन सा है। जिस प्रकार आप बोलोगे कि दो वीडियो हैं, सेम वीडियो सेम व्यू है, यदि आप हमसे बोलो कि किसको फंड मिलेगा, तो दोस्तों वहाँ पर आपको वीडियो की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, किस वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन, किस वीडियो को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वहाँ पर आपको उस वीडियो में यूट्यूब शॉर्ट फंड मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। दोस्तों दोस्तों ये थी आज की वीडियो, यदि आपको हमारी थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और व्यक्ति को पता चल सके कि किस प्रकार क्या नियम है क्या नियम नहीं है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों